record keeping and fee in continuation to that topic, we are going to see that withholding record for non-payment is also important. we tend to see many clients in therapy who uh, constantly keep coming, but they don't pay on time. so psychologists may not withhold records under their control that are requested and needed for clients and patients' emergency treatment solely because payment has not been received. in those circumstances, jahapehame, उस इंडिविजुअल की जो एक नॉन पेमेंट के स्टेटस में फॉल कर रहा है लेकिन उसको येट कोई एमरजेंसी आ गई है और उसके इन्फॉर्मेशन जो है वो हॉस्पिटल मांग रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन फैमिली मांग रही है उसकी इन्फॉर्मेशन uh, कोई स्टेट uh, की तरफ से रिक्वायर है तो सिर्फ इसलिए कि वो एक नॉन uh, पेमेंट के स्टेटस में फॉल कर रहा है उसकी इन्फॉमेशन को विदहोल्ड नहीं किया जा सकता देन फी एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स साइकोलॉजिस्ट एंड रेस्ट ऑफ सर्विसेज़

अगर उसकी फ़ीस की पे करने के जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो हमने अर्ली डिसाइड नहीं किए बिगनिंग ऑफ द थेरेपी पे डिसाइड नहीं किए तो उससे बाद में प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं पॉसिबल लिमिटेशन टू सर्विस इज़ ड्यू टू एनी रीजनज इज डिस्कस्ड विद क्लाइंट एज अर्ली एज़ पॉसिबल अगर किसी भी तरह का कोई थेरेपी के अंदर आ, आपको लगता है कि पेमेंट में डिले है तो क्लाइंट को चाहिए कि वो आ, अपने साइकोलॉजिस्ट को बताए और अगर साइकोलॉजिस्ट किसी वजह से उस क्लाइंट को फी आने तक इंटरटेन नहीं कर सकता और कोई बहुत एमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है तो उसको भी चाहिए कि उसको बिफोर हैंड बता दे क्या आपका नेक्स्ट सेशन जो है वो अगली पेमेंट के बाद होगा बिकॉज दिस इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल दिस इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी एंड इट्स इट्स काउंसलिंग और थेरेपी इसमें फाइनेंशियल जो उनकी कंसर्नस हैं उनको एड्रेस करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वी आर नॉट अगर किसी की फीस नहीं आई और वो बहुत ज़्यादा उसको कि किसी वर्लरेबल कंडीशन में है तो उसको कोई हेल्प प्रोवाइड ना की जाए लेकिन हम ये भी साथ साथ बिलीव करते हैं कि अननेसेसरी किसी की फाइनेंशियल जो उसकी अ, अ, जो असिस्टेंस है उसको आप अगर रोक के रखते हैं और आप उसको प्रोवाइड नहीं करते तो ये जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं ये भी थेरेपी के अंदर एक थोड़ा सा नेगेटिव रोल प्ले कर सकते हैं दैन साइकॉलॉजिस्ट फी प्रैक्टिस शूड भी कंसिस्टेंट विद लॉ अगर लॉ कहता है कि इस इस प्रैक्टिस के साथ इस एक्सपीरियंस के साथ एक साइकोलॉजिस्ट इतने थाउजेंड फी क्लेम कर सकता है या वो गवर्नमेंट के सेक्टर में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता इंडिविजुअल पेमेंट नहीं ले सकता तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो भी लॉ कह रहा है उसके कंसस्टेंट जो है वो पेमेंट्स लेना एडवाइजेबल है साइकोलॉजिस्ट डू नॉट मिसरीप्रजेंट देअ फी लाइक like आपने किसी एडवर्टिजमेंट में किसी ब्रोशर में लिखा हुआ है टू थाउजेंड रुपीज़ आर चार्जेस पर सेशन लेकिन जब वो क्लाइंट आता है तो उसको कहते हैं डीज टू थाउजेंड रुपीज़ आर विदाउट टैक्स इसके अलावा आपको एंट्री पे कुछ एडमिशन भी देना होगा और इसके अलावा हमारे कुछ और हिडन चार्जेस भी हैं सो यू जस्ट कॉन्ट बाग इन एंड यू जस्ट काम कॉन्ट क्लेम विद क्लाइंट्स इन दिस मैनर आपको जो भी चीज़ है वो बहुत ही ओपन एंड फेयर कम्युनिकेशन होनी चाहिए और बिफोर हैंड बताना चाहिए कि दिस शुड बी द पेमेंट ंग फॉर सर्विसिज एंड साइकोलॉजिस्ट इन टू यूज लीगल माईर्स दर्स्ट एंड फॉर्म द पर्सन कि आपके खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया जा रहा है आपकी इतनी पेमेंट ड्यू है आपने इसको नहीं किया और ये बहुत ही एक गैर खुशगवार सूरत हाल होगी इसको हम एक बहुत बुरा सुनहरी समझते हैं कि किसी को इस सिचुएशन तक पहुँचना पड़े तो इस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे अग्रीमेंट साइन किए जाएँ जिसमें ये इश्यूज बाद में लेटर अराइज़ ही ना हो सकें लेकिन पहले फिर भी लीगल एक्शन लेने से पहले एक पेशेंट को एक क्लाइंट को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप आप इस अनसेटल अमाउंट को पे नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है देन बाटर विद क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स पहले हम किसी हिस्ट्री uh, के अगर किसी चैप्टर को पढ़ें या किसी और सब्जेक्ट को पढ़ें जो अर्ली सिविलाइजेशंस की बात करता है तो वी गेट टू नो कि वहाँ बार्टर सिस्टम हुआ करता था जिसमें चीज़ें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ली जाती थी और पैसों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था स्टिल बार्टर इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड दिस कैन ऑल्सो बी यूज इन साइकोलॉजिकल सर्विसेज अगर वहाँ पर कोई क्लिनिकल कॉन्फ्रा इंट्रोडक्शन जो है वो ना हो रही हो एंड द रिजल्टिंग अरेंजमेंट इज़ नॉट एक्सप्लोटाइटेटिव अगर उसका कोई बहुत बुरा नुकसान नहीं हो रहा उससे कोई डैमेज नहीं हो रहा उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुँच रही तो बार्टर सिस्टम जो है वो लीगली uh, अलाउड है ऑल्डो इट्स नॉट इन प्रैक्टिस और ज्यादातर लोग फाइनेंशली एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट करते हैं कि वो पर सेशन पे करते हैं या मंथली पे करते हैं लेकिन अगर वो लीगली uh, किसी जगह पर बार्टर करना चाह रहे हों तो दिस कुड ऑल्सो बी डन एंड इन रिपोर्ट्स टू पेयर्स एंड रीजनेबल

एकोरेसी से चीज़ों को रिपोर्ट किया जाए रेफरल्स एंड फीस वेन साइकोलॉजिस्ट पे रिसीव पेमेंट फॉम अदर्स और डिवाइड फी विद अदर प्रोफेशनल्स अगर वो कंसल्टेसन ले रहे हैं दूसरों से सो so उसके अंदर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से हट कर एक दूसरा रिलेशनशिप आ जाता है सो so, पेमेंट जो है वो रेफरल के बेस पर नहीं होनी चाहिए जैसे एक इंडिविजुअल कहता है कि मैंने आपको क्लाइंट रेफर किया तो आप मुझे पे करें बल्कि जितनी जितनी प्रोफेशनल इनपुट किसी ने दी है हम उतनी उतनी पेमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो दिस शुड नॉट बी अ बिजनेस लाइक दैट दैट आई एम प्रोवाइडिंग द क्लाइंट्स टू यू सो आई एम टेकिंग फिफ्टी परसेंट फ्राम यू इट्स अदर वे राउंड दैट वेराउंडवर द प्रोफेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन इज बींग मेड इन स्पेसिफिक केस उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पेमेंट को डिसाइड किया जाए सो दे आर द सर्टन रूल्स इन्वॉल्व इन रेफरल्स एंड फीस एंड पेमेंट एंड पेयर्स एंड फर्निंग सोर्सेज विच नीड टू बी केयरफुल केयरफुल लुकड इन टू और हम इसको ऐसे ओपन ली नहीं कर सकते कि जिसका जो दिल चाहे वो चार्जेस ले लें या उसको हम हिडन रिकॉर्ड्स में रख लें बट द ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स शुड बी वेरी ओपन एंड ये हर इसका एक रिकॉर्ड मैंटेन किया जाए और इसको जहाँ पर जरूरत पड़े उसको कोई भी उसको ट्रांसपेरेंटली उसके बारे में पूछ सकता है और उसके बारे में इंफॉर्म किया जा सकता है